अगर आपको आपके खाने की थाली में एक ही सब्जी दिन रात अगले दिन उसके अगले दिन सप्ताह भर तक परोस दी जाए तो आप क्या करेंगे? अरे भाई ऑप्शन तो दो, यही कहेंगे ना। ऐसे ही आसार चल रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। जी हाँ, सही समझा आपने, नहीं समझा तो मैं समझा देती हूँ। भाई राजस्थान की राजनीति में दो बड़ी पार्टियाँ मानी जाती हैं, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है राजस्थान की जनता और अब सब लोग ऑप्शन मांग रहे हैं। और ऑप्शन के रूप में उभर रही हैं बड़ी पार्टियां। आरएलपी को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है राजस्थान में एंट्री करने की। और क्यों बनेगी अब राजस्थान में गठबंधन की सरकार? पूरे पूरे लग रहे हैं आसार या फिर कितने हैं आसार, सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं यहाँ पर आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस और बीजेपी के जो अंतर्कलह है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार है, इन सब चीज़ों से अब जनता थक चुकी है, त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, हर कोई आम इंसान ऑप्शन मांग ही लेता है। तो ये तो हमारी सरकारें हैं जनाब, कब तक हमारी जनता त्रस्त होती रहेगी? तो एक थर्ड फ्रंट के रूप में उभर रही है आरएलपी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि इस बार सब तरफ यही सुनाई दे रहा है कि ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी, इस बार होगी तो होगी गठबंधन की सरकार, निर्दलीय भी बहुत सारे होंगे, तो आपका क्या मानना है? देखिए जाहिर तौर पर इस बार बदलाव की बयार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसे में इन बदलावों और बदलावों के साथ साथ जो पार्टी में अंतर्कलह है दोनों में, भाजपा और बीजेपी में, तो देखिए अंतर्कलह का एंड प्रोडक्ट होता है बागपन और बागी। तो इन अंतर्कलियों से निकलेंगे बागी, वो बागी बनके चुनाव लड़ेंगे और अपनी ही पार्टी के वोट काटेंगे। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी को बहुत सीटें कम मिलने वाली है और ये जो कम मिलेगी वो खाते में जाएगी निर्दलियों के, आरएलपी के, कुछ आम आदमी पार्टी के, और इस तरह से ये इनके खाते में जाने वाली है। तो जाहिर तौर पर 200 सीटों का जो मैजिकल आंकड़ा 100 होता है उसको पार करने के लिए गठबंधन करने की ज़रूरत के आसार इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वो आसार जाहिर तौर पर होंगे। अब ऐसे में एक बुरी चीज़ ये हो जाती है कि गठबंधन में जो आंकड़ा गेम चेंज कर सकता है उसको आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, और जब निर्दलीय कम होते हैं तो हो सकता है खरीदे भी जा सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन जब इनकी तादाद ज़्यादा होती है कितनों को खरीदेंगे वो वाली चीज़ आ जाती है। तो गेम चेंजर कौन बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन में तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो जो अभी सिरदर्द बना हुआ है वो है सचिन पायलट। कांग्रेस से सचिन पायलट की बन नहीं रही है, बीजेपी में वो जाना नहीं चाह रहे हैं, तो एक तीसरे मोर्चे के रूप में उन्हें भी देखा जा रहा है कि अगर वो अपनी अलग होकर पार्टी बना लेते हैं तो बहुत सारे वोटों को वो कट कर सकते हैं इन दोनों पार्टियों के। सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा है कि पार्टी का नाम रजिस्टर हो चुका है, विकासशील कांग्रेस, इस तरह के किसी नाम की भी चर्चा हो रही है, और सचिन पायलट के कार्यकर्ता उनको फॉलो करने वाले भी चाह रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाएं। तो इस तरह की ये भी एक अंतर्कलह का प्रोडक्ट ही है कि सचिन पायलट अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो। और इसके अलावा भी अंतर्कलह बहुत बड़े तौर पर देखी जाएगी, जिस तरह से कांग्रेस में आए दिन बयानबाजियाँ सामने आती है, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो चाहे कोई और हो, लगातार बयानबाजियां सामने आती है। तो और दूसरा जो फैक्टर मैं मानती हूँ तीसरे मोर्चे का, गठबंधन का, उसमें सबसे दूसरा फैक्टर सचिन पायलट के बाद मैं मानती हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, एक बहुत बड़े पार्टी है तीसरे मोर्चे के रूप में भर गए हैं। बेनीवाल एक गेम चेंजर बिल्कुल बन सकते हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत चाहती है उनको, और इस समय सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि कहीं हनुमान बेनीवाल और पायलट की पार्टी ने हाथ मिला लिया तो बीजेपी कांग्रेस के पास कुछ बचेगा क्या, और ये दोनों हाथ मिलाकर अगर भाजपा को बाहर से समर्थन दे देते हैं तो कांग्रेस को पूरी तरह से निस्तोनाबूद करने में फिर कोई भी और चारा बचेगा नहीं। लेकिन देखिए बीजेपी को समर्थन देना ना देना, इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि
जो बेनीवाल हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं ना बीजेपी को दूंगा ना कांग्रेस को दूंगा। लेकिन होता ये है कि जो सियासत है ना उसमें बयानों से पलटना ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो नंबर गेम है वो नंबर गेम में आखिरी रिजल्ट क्या रहा इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि नंबर गेम ऐसा है कि बीजेपी को समर्थन देना ही पड़े और फिर ये कह दें कि हम तो प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय चेहरे के ऊपर वो समर्थन दे रहे हैं, ऐसा कुछ बयानबाजी कर कर। और आपने देखा है राजनीति में कैसे बयान वापस ले लिए जाते हैं, कैसे दे दिए जाते हैं, ये सब कुछ। और अभी जो सियासत में चल रहा है वो सबको दिख रहा है, सियासत इस लेवल तक डाउन में हो चुकी है कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी को ही क्या क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री गहलोत को रावण बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं राम हो तो पैसा तो दो। इस तरह से बयानों में बिल्कुल मर्यादा तो राजनीति खो चुकी है और विश्वास में भी वो अपना पूरा विश्वास खोती जा रही है। ऐसे में लोग जो है अब निर्दलियों की तरफ विश्वास करेंगे कि भाई हमारे इलाके का कोई अगर ऐसा शख्स है जो डिजर्व करता है और वो निर्दलीय भी खड़ा है तो उसको वोट दे। अब ऐसे में आप देखिए कि भारत में जब कांग्रेस से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी जनता तो आम आदमी पार्टी को बतौर विकल्प चुना, उस दिल्ली में चुना जहां शीला दीक्षित काफी समय से मुख्यमंत्री थी और उससे पहले मदनलाल खुराना बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी जगह जब एक तीसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, पंजाब में अकालियों से और कांग्रेस से तंग आकर आम आदमी पार्टी को तीसरा विकल्प चुना, तो तीसरा विकल्प और बदलाव की जरूरत अब बहुत ज्यादा है। और खासकर तब जब देश में जो मेन विपक्ष का काम करने वाली कांग्रेस इस तरह से खत्म होती जा रही है तो लोग प्रगतिशील कुछ ढूंढ रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये प्रगतिशील सचिन पायलट की जो कहा जा रहा है अफवाहों में है कि प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी है, क्या वो प्रगतिशील बनेगी या फिर आरएलपी और वो दोनों साथ में आएगी या क्या होगा। देखिए गठबंधन होने के आसार सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, माना जा रहा है कि 200 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 75 सीटों पर गठबंधन का पूरा पूरा तीसरे मोर्चे का पूरा पूरा प्रभाव देखा जा रहा है। 75 से भी ज्यादा जा सकता है। आप देखिए, आप इस बात को समझिए कि बीजेपी में अंतर्कलह भी बहुत हाई लेवल पर है। अगर यहाँ पर जिस तरह से तवज्जो अभी ब्राह्मण सभा में जिस तरह से दिया कुमारी गई तो लग रहा है कि दिया कुमारी का भी एलिवेशन हो रहा है। और ऐसे में आप महारानी को अगर महारानी से टकराओगे तो वसुंधरा भी बागी हो सकती है। वसुंधरा बागी हो जाती है तो यूनुस खान से लेकर अशोक परनामी से लेकर एक बहुत बड़ा खेमा वो भी रखती है, तो वहाँ वो बीजेपी के वोट काटने के लिए वो भी तैयार बैठे हैं और उनका अपना कार्यकर्ता बेस भी है। इधर कांग्रेस की तरफ आए तो यहाँ तो बागियों की लाइन लग जाएगी, और अगर सचिन पायलट अलग हो गए तो कार्यकर्ता खाली हो जाएंगे कांग्रेस से। कार्यकर्ता खाली होते तो घर घर जाके कोई वोट मांगने वाला बचेगा नहीं, कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं है। तो ऐसे में करेंगे क्या? आरएलपी अपना पूरा संगठन और मजबूत करने में लगी हुई है और सचिन पायलट में वो मानता है कि अगर आज वो हुंकार भरे तो आज कांग्रेस में से निकलकर बन जाएगी नई पार्टी और बहुत कार्यकर्ताओं के साथ नई पार्टी बन जाएगी। लेकिन उनके फर्स्ट स्टेप लेने के लिए ही वेट कर रहे हैं लोग। ऐसे में ये तो साफ है कि जो कलह भाजपा में है, जो कलह कांग्रेस में है, उन कलहों की वजह से जो कृत्य कांग्रेस ने किए हैं, चाहे पेपर लीक हो, वीरांगनाओं के साथ जो किया है वो हो, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो, या और भी जितने भी सारे कोयला और भी बहुत सारे कृत्य हैं, उन सब की वजह से अब जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता चाहती है बदलाव और बदलाव जब वो बदलाव में वोट करेगी तो नंबर कमाएंगे तो गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो ये थे वो सारे समीकरण जो साबित करते हैं कि राजस्थान में अगर हम कहें कि त्रिशंकु की भी नौबत आ जाए सरकार बनने की तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस बार जनता भरी बैठी है और जैसे ही उनको अच्छा ऑप्शन मिलेगा इन दोनों पार्टी के लिए, टू पार्टी स्टेट कब थर्ड फ्रंट में बदल जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर तय है कि सरकार बनेगी तो बिना गठबंधन के तो नहीं बनेगी। आपका क्या राय है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा आपको विश्लेषण ये भी जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार।
सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आज जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर डीएस सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी है। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।